अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा लेसन द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, और इस लेसन के हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, व्हाई इज द ओल्ड लेडी सिटिंग अंडर अ विलो ट्री, Why not some other tree? कि वो जो बूढ़ी औरत है जिसके बारे में हमने अभी पोइम पढ़ी है, वो बेत के दरख्त के नीचे ही क्यों बैठी हुई थी, वो किसी और दरख्त के नीचे क्यों नहीं बैठी। तो फ्रेंड्स, ये हमने अभी पोइम में रीड आउट किया है इससे पहले वाली वीडियो में, कि विलो का जो ट्री है इसको जो है वीपिंग ट्री भी कहते हैं, और ये जो है बहुत ज़्यादा सैडनेस की वजह से वो औरत ज़रा उदास सी थी। और विलो ट्री को भी, जैसे कि आपको मैंने बताया है, वीपिंग ट्री भी कहते हैं, रोने वाला दरख्त भी कहते हैं। तो वो औरत भी उदास थी और मायूस हुई हुई थी अपनी ज़िंदगी से, इसलिए वो विलो ट्री के नीचे आकर बैठी थी और किसी दूसरे दरख्त के नीचे नहीं बैठी थी। तो इसका आंसर हमने कैसे अटेम्प्ट करना है, आपने लिखना है कि द ओल्ड लेडी इज सिटिंग अंडर द विलो ट्री, कि बूढ़ी औरत दरख्त के नीचे इसलिए बैठी है बिकॉज, क्योंकि दिस ट्री इज़ द सिंबल ऑफ सैडनेस डिसइल्यूजमेंट एंड डिजेक्शन, क्योंकि ये दरख्त जो है ये अलामत है सैडनेस उदासी की, डिसइल्यूजमेंट और किस चीज़ की, मायूसी की, एंड डिजेक्शन और इनकार की, ये सब चीज़ों की अलामत है ये दरख्त, इस वजह से वो ओल्ड लेडी जो है वो यहाँ पर बैठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द ओल्ड लेडीज एटीट्यूड टुवर्ड द इंट्रूडिंग बॉय एट फर्स्ट, व्हाट इज हर एटीट्यूड टुवर्ड द बॉय आफ्टर शी फाइंड्स आउट ही वाज ब्लाइंड, के उस बूढ़ी औरत का रवैया या सलूक क्या था उस लड़के के साथ जिसने इंट्रूडिंग मतलब दखल अंदाजी की थी पहले, मतलब वो औरत अपनी बुक पढ़ रही थी और दरमियान में आकर लड़का उससे मुखातिब हुआ, तो उसका रवैया क्या था, और जब उसे पता लगा उस ओल्ड लेडी को कि वो लड़का अंधा है, तब उनका बिहेवियर क्या था। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे हमने पोइम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ी है कि पहले तो जब लड़का आया वहाँ उस लेडी को फूल देने की कोशिश की, तो वो चाह रही थी, वो इग्नोर कर रही थी उस बॉय को, और वो चाह रही थी कि ये अपना फूल ले और यहाँ से कहीं वापस चला जाए और खेलने चला जाए और मुझे अकेला छोड़ दे। लेकिन जैसे ही उन्होंने नोटिस किया कि वो ब्लाइंड है, अंधा है, तो एकदम से वो चेंज हो गई, उन्होंने खुशी खुशी फूल भी ले लिया और उसका शुक्रिया भी अदा किया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कैसे हमने अटेम्प्ट करना है, हमने लिखना है एट फर्स्ट, पहले तो द ओल्ड लेडी ट्राइड टू इग्नोर हिम, उसे जो है वो इग्नोर करने की, नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, एंड शी डिसाइडेड टू टेक द फ्लावर फ्रॉम हिज हैंड्स सो दैट ही माइट लीव, तो और उन्होंने ये सोचा कि हाँ अच्छा, ये इतनी ज़बरदस्ती मुझसे कर रहा है, इतना बार बार जोर दे रहा है, तो मैं इसके हाथ से फूल ले लेती हूँ ताकि ये बच्चा यहाँ से चला जाए। बट लेकिन When she noticed that the boy was blind, लेकिन जब उन्होंने ये नोट किया कि लड़का अंधा था, she was much moved, तो वो बहुत ज़्यादा जो है एकदम से मुतासिर हुई, she happily accepted the flower, तो वो फूल उन्होंने खुशी खुशी कबूल कर लिया, which changed her entire life, जिस फूल ने उनकी मुकम्मल ज़िंदगी तब्दील करके रख दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री, डू यू नो दैट द विलो ट्री इज आल्सो कॉल्ड अ वीपिंग विलो, कहते हैं क्या आप जानते हैं कि ये जो बेत का दरख्त है इसे वीपिंग विलो, के रोता हुआ बेत भी कहा जाता है, तो क्यों है ऐसा।
तो फ्रेंड्स ये विलो ट्री की जो पिक्चर है ये मैंने इसमें समरी वाली वीडियो में लगा दी है, आप उसमें देख सकते हैं कि इसके पत्ते जो होते हैं वो नीचे की तरफ डाउन वार्ड की तरफ ज़मीन की तरफ होते हैं, और जब उस पर बारिश के ड्रॉप्स गिरते हैं तो वो ऐसे लगता है कि बारिश के कतरे उसके ऊपर से जब गिर रहे हैं उनके पत्तों पर, से लगता है कि ये जो दरख्त है ये रो रहा है। तो बस इस वजह से इसे कहा जाता है कि रोने वाला दरख्त या रोने वाला बेत का दरख्त। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आप लोग लिखेंगे इस तरह से कि रेन ड्रॉप्स दैट आर फॉलिंग टू द ग्राउंड फ्रॉम द ड्रॉपिंग ब्रांचेस ऑफ विलो रिजेंबल टीयर्स, के बारिश के कतरे दैट आर फॉलिंग टू द ग्राउंड जो कि ज़मीन पर गिर रहे होते हैं, फ्रॉम द ड्रॉपिंग ब्रांचेस वो डूबी हुई शाखों में से, ऑफ विलो बेत के दरख्त की, रिजेंबल टीयर्स तो वो आंसुओं के साथ मिलते जुलते हैं, दैट इज़ हाउ इस वजह से वीपिंग विलो गॉट इट्स नेम, के बेत का जो नाम है वो रोता हुआ बेत का दरख्त उसे लोग कहने लग गए, इसका नाम पड़ गया। विलो ट्रीज हैव इलोंगेटेड लीव्स दैट आर ग्रीन ऑन द अपर साइड एंड वाइटिश ऑन द बॉटम साइड, विलो ट्रीज के जो बेत का दरख्त है इसके पत्ते बहुत ही इलोंगेटेड बहुत लंबे होते हैं, दैट आर ग्रीन ऑन द अपर साइड जो कि ऊपर की तरफ से सब्ज़ रंग के होते हैं, एंड वाइटिश ऑन द बॉटम साइड और अंदर की तरफ से जो उनकी तह वाली तरफ होती है वहाँ से वाइट कलर के होते हैं। विलो इज डिसीजुअस प्लांट, विलो जो है बेत का जो दरख्त है वो उसे डिसीजुअस प्लांट इसलिए कहते हैं, डिसीजुअस मीन होता है पतझड़ वाला पौधा, पतझड़ वाला पौधा इसलिए कहते हैं, विच मीन्स डैट जिसका मतलब ये है कि इट शेड्स इट्स लीव्स ईच विंटर, ये जो है शेड्स, शेड्स का मतलब होता है गिरने देना लीव्स पत्तों को ईच विंटर, क्योंकि ये हर सर्दियों में अपने पत्तों को गिरने देता है, मतलब अपने ऊपर से जब वो सूख जाते हैं तो वो सब गिर जाते हैं। तो ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से विलो ट्री को वीपिंग विलो भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, दिस चेंज ऑफ एटीट्यूड टुआर्ड द बॉय आल्सो ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन हर एटीट्यूड टुआर्ड्स लाइफ, व्हाट इज दैट चेंज, हाउ वुड यू डिस्क्राइब हर एटीट्यूड टुआर्ड्स लाइफ बिफोर एंड आफ्टर द इंसिडेंट। कहते हैं कि ये जो तब्दीली आई है रवैये की टुआर्ड द बॉय उस लड़के की तरफ, also bring about a change in her attitude toward life, तो उसका रवैया जो है वो ज़िंदगी के साथ भी बदल गया है, what is that change, तो वो क्या तब्दीली आई है उसके अंदर, how would you describe, आप किस तरह से बयान करेंगे हर attitude उसका रवैया toward life before and after the incidents, कि ज़िंदगी की तरफ उसका सलूक पहले क्या था और इस वाक़े के बाद क्या हो गया था। वो जो ओल्ड लेडी है उनके बारे में पूछ रहे हैं कि ओल्ड लेडी का जो रवैया था जो सलूक था वो क्या था पहले और बाद में क्या हो गया। तो फ्रेंड्स हमने ये पढ़ा है कि पहले तो वो बहुत उकताई हुई बैठी थी और ज़िंदगी से भी उदास हुई हुई थी, लेकिन इस वाक़े के बाद उन्हें क्या हुआ, उन्हें ये फील हुआ कि मसला दुनिया के साथ नहीं है, मसला मेरे साथ है, मुझे चाहिए कि मैं अपनी आंखें खोलूं और ये जो दुनिया की खूबसूरती है मेरे इर्द गिर्द की खूबसूरती है मैं इसे फील करूँ और इसे इंजॉय करूँ। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपने कैसे लिखना है, आपने लिखना है द ओल्ड लेडी वाज फेड अप विद लाइफ, के बूढ़ी औरत जो है वो ज़िंदगी से बिल्कुल ही उदास और परेशान हुई हुई थी, शी वाज होपलेस वो बिल्कुल ही ना उम्मीद थी, बट आफ्टर द इंसिडेंट लेकिन इस वाक़े के बाद, शी रियलाइज्ड डैट इन्हें इस बात का एहसास हुआ, द प्रॉब्लम वाज Not with the world, के मसला दुनिया के साथ नहीं था, the problem was with her, मसला उनके अपने साथ था, her eyes opened, उनकी आँखें जो हैं वो खुल गईं, and she started enjoying the beauties of life, और उन्होंने
जो इस दुनिया की इस ज़िंदगी की जो खूबसूरतियाँ थीं, अच्छी चीज़ें थीं, उनको उनसे लुत्फ़ उठाना शुरू कर दिया, उनसे जो है इंजॉय उन्हें करना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे पहले वो ज़रा थोड़ी उदास उदास ही रहती थी और ज़िंदगी को सही तरह इंजॉय नहीं करती थी। ज़िंदगी की जो हमारी इर्द गिर्द जो खूबसूरती होती है, जो नेचुरल ब्यूटी होती है, वो इसे इग्नोर करती थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपना हर हर मिनट जो है वो अपना जो है इंजॉय करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आपने इन्हें अच्छे से इसी तरह से प्रिपेयर करने हैं।